ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऐसे ही नहीं कहते. देख लीजिए, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हों, मोहल्ले की महिलाओं ने जितने भी ताने मारे हों अनुपमा को, लेकिन आखिरकार वो जो कुकिंग कंपटीशन था ना, कुक ऑफ जिसे कहते हैं, वो अच्छे से हो गया. जी हाँ, बेस्ट कुकिंग कंपटीशन रखा था और बेस्ट कुक मिल भी गई हमारी अनुपमा को. अच्छे से जानती है कि जब खाने पीने की बात हो तो भाई हाउसवाइफ के हाथ का खाना खाना भला कौन पसंद नहीं करे. अनुपमा की यही सोच तो है जो अनुज को भाती है. अब अनुपमा और अनुज मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं. अब रेस्टोरेंट में जब अच्छा खाना बनेगा तभी तो लोग आएंगे खाना खाने. लेकिन ये बात भी सच है कि आजकल अच्छा खाना बनाने वाले मिलते कहाँ हैं. अनुपमा का आइडिया तो देखिए, गृहणियों को लेकर वो कुकिंग कंपटीशन कर रही है जिससे पता चल जाएगा कि किसका खाना बहुत स्वादिष्ट है. मम्मी बहुत खुश है, वो खुश है तो मैं खुश हूँ. मेरी मम्मी की खुशी में ही मेरी खुशी है. इट्स अ बिग डे फॉर हर. उनका आज कंपटीशन है जहाँ पे बहुत सारी उन्होंने लेडीज़ को इनवाइट किया है ताकि वो आए और अपना फेवरेट डिश प्रेजेंट करें, बेस्ट डिश प्रेजेंट करें. सो बस मैं और बापू जी आए हैं उन्हें मोटिवेट करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए. अब यहाँ पर जितनी भी गृहणियाँ आई हैं उनका मोटिवेशन भी कैसे कर रही है अनुपमा, जरा आप देखिए. लोग समझते हैं कि अगर औरत घर के बाहर का काम करेगी तो घर नहीं संभाल पाएगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर औरत चाहे तो कितनी कितनी चीजें एक साथ कर सकती है. यही दिखाने के लिए तो हमारे यहाँ पर देवी माँ के चार चार हाथ दिखाए जाते हैं. कला है तो निखारो, हुनर है तो संवारो. अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते तो कोई बात नहीं, अपने हुनर को घर से बाहर भेजो. पापड़ बेलो, टिफिन बनाओ, रोटियां बनाओ, चाहे जो करो लेकिन कुछ करो. मैं हमेशा आपके साथ, अनुज की कंपनी आपके साथ. अब बस आपको अपना साथ देना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है. इधर अनुपमा ने सबका हौसला बढ़ाया तो उधर अनुज सबको बिंदास बना रहा है. अनुपमा और अनुज ने मिलकर माहौल को कितना आसान बना दिया. अनुपमा का साथ बापूजी और किंजल दे रहे हैं तो वही यहाँ पर अनुपमा को जीत जरूर मिलेगी. और जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपमा की ये पहली जीत नहीं बल्कि उसकी आगे बढ़ने की सीढ़ी होगी. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. पर फाइनली जाकर हमारी लक्ष्मी की लाइफ में ना खुशी के कुछ पल आने वाले हैं, क्योंकि सास ससुर बहुत खुश हैं अपनी बहू रानी से. आखिरकार ससुर जी और सासू माँ की एनिवर्सरी थी और बहू रानी की तैयारियों से वो खुश हो गए. यानी पति खुश हो ना हो, सास ससुर खुश तो भाई नई पारी की शुरुआत हो ही गई है. लक्ष्मी के सास ससुर की एनिवर्सरी है तो ऐसे में लक्ष्मी को जिम्मेदारी दी गई थी एनिवर्सरी की सारी तैयारियों की. अब लक्ष्मी हर काम में परफेक्ट है तभी तो अपने ससुर जी को वो बहुत भाती है. जरा इस एनिवर्सरी की सजावट तो देखिए, ये सब कुछ लक्ष्मी ने ही किया है और अब अपने सास ससुर की एनिवर्सरी पर वो डांस भी करेगी.
जब जब वो ऋषि और लक्ष्मी को देखती है जलती रहती है। अब वो भी जानती है कि ऋषि लक्ष्मी को नहीं बल्कि उसे प्यार करता है। आज नहीं तो कल उसे लगता है कि ऋषि उसका हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस एनिवर्सरी की तैयारी सबको इतनी पसंद आएगी कि लक्ष्मी के ये सब फैन हो जाएंगे और ऋषि भी कहीं न कहीं ये बात मानेगा। लेकिन फिर भी हमें लक्ष्मी के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि इस पार्टी के बाद ही लक्ष्मी को पता चल जाएगा कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, नई शुरुआत हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन एक बात तो तय है कि एक वक्त तक जब आप किसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, कुछ रिश्ते बना लेते हैं, एक सफ़र कुछ लोगों के साथ तय करते हैं, तो उनको अलविदा कहना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर, जहां मोहसिन खान की फेयरवेल पार्टी के दौरान जाहिर सी बात है मोहसिन ही नहीं सेट पर हर कोई इमोशनल हो गया। हजार 16 में एक्टर मोहसिन खान को एक नया नाम मिला। वो नाम था कार्तिक गोयंका का। कार्तिक को अपने दर्शकों से बेइंतहा मोहब्बत मिली। कार्तिक के लाखों फैंस हैं और उन फैंस के लिए आज मोहसिन खान ने एक प्यारा सा नोट भेजा है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर उनका आखिरी दिन था। इस आखिरी दिन को अपने शब्दों में बयां किया है एक्टर मोहसिन खान ने। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है एक्टर मोहसिन खान के लिए उनकी जिंदगी का सबसे प्यारा एक्सपीरियंस रहा है। ये सीरियल और ये किरदार दोनों उनके दिल के करीब हैं। मोहसिन का कहना है कि कार्तिक का किरदार उनके लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। हालांकि अब वो इस शो से जुड़े नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो इस किरदार को बहुत मिस करने वाले हैं। घर पर तो मोहसिन का एक परिवार है, लेकिन सीरियल का सेट ये उनका दूसरा परिवार है। जाते जाते मोहसिन खान ने प्रोड्यूसर राजन शाही सहित पूरे क्रू को थैंक्स कहा। मोहसिन की फेयरवेल पार्टी में काफी लोग इमोशनल हो गए थे, यहाँ तक कि मोहसिन खुद भी बहुत इमोशनल हो गए थे। अब हम तो चाहते थे कि मोहसिन का एक इंटरव्यू करें, लेकिन क्या करें, इस सेट पर इतना तगड़ा बंदोबस्त है और फिलहाल अभी कोई नहीं चाहता है कि ट्रैक थोड़ा सा भी आउट हो। लेकिन हम आप सबसे वादा करते हैं कि मोहसिन खान का एक इंटरव्यू अपने दर्शकों के लिए जरूर लेकर आएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे मानना पड़ेगा हमारे जो अनंत बाबू है ना, इनकी तो चांदी है, एक गर्लफ्रेंड एक पत्नी दोनों ही इनकी आवभगत में लगी रहती है। मेरा मतलब है दोनों ही इनका अच्छा चाहती हैं, तभी तो दोनों मिलकर जान बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई हैं।
निभाना साथिया की कहानी के बारे में क्या कहना, जब जब जिसे जैसा लगता है कहानी को उस मोड़ में घुमा देता है। पहले गहना वकील बनी, उसके बाद अनंत की नौकरी गई। जेठानिया गहना को आए दिन परेशान करती रहती थी और उसके बाद आ गया आतंकवादी का ट्रैक। इस ट्रैक में अनंत की जान भी चली गई और अब देखिए हूबहू अनंत की तरह दिखने वाला सिद्धार्थ भी आ गया। एक्चुअली सच में प्रॉब्लम इनकी नहीं है, ये इनका चेहरा सिमिलर है अनंत जी से, तो सब इन्हें अनंत जी समझ रहे हैं और घर पे भी इन्हें टॉर्चर किया जाता है बार बार अनंत जी करके। मैं ही इनके पीछे पागल हो गई हूँ, अनंत जी मेरे अनंत जी, और फिर बाहर भी लोग इन्हें अनंत जी करके पहचान रहे हैं। अब हालांकि हम सब जानते हैं कि ये सिद्धार्थ नहीं अनंत है, लेकिन इनके परिवार वालों में से कोई भी नहीं जानता कि ये अनंत है। इस कहानी में अब भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो क्या है ना, राधिका जो अनंत से प्यार करती थी, अब वो दावा कर रही है कि अनंत को जिसने बदनाम किया है ना, उनके साथ मिलकर बदला लेगी। गहना को पता है कि राधिका किस सिचुएशन में क्या कुछ कर सकती है क्या नहीं, तो जो सच्चाई है कहीं ना कहीं वो गहना को पता है, जो हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ को नहीं पता, इसलिए वो यहाँ आकर मुझ पर चिल्ला रहे और गहना मेरा साथ दे रही है। अब राधिका पर कितने हद तक विश्वास करना चाहिए या नहीं, ये तो भाई हम भी नहीं जानते। अब जानेंगी भी कैसे, जब तक एपिसोड लंबा चलेगा नहीं तब तक इन्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गहना का दिल मानने को तैयार नहीं है कि ये अनंत जी नहीं बल्कि सिद्धार्थ है। फिलहाल आतंकवादियों का खतरा अब भी देसाई परिवार पर मंडरा रहा है और अब अनंत उर्फ सिद्धार्थ को देखने के बाद वो और भी सचेत हो गए हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पूजा के त्योहार के दौरान एक बार तो ये साड़ी पहनना बनता है, ऑटोमेटिकली टीआरपी बढ़ जाती है। वैसे टीआरपी किसकी बढ़ी हुई है पिछले एक हफ्ते में, आइए जान लीजिए टेलीविजन की टीआरपी चार्ट को देखकर। टीआरपी वाला दिन आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पांचवें नंबर से। पांचवें नंबर पर इस बार एक नहीं बल्कि दो दो सीरियल्स पहुंच गए हैं, ये है चाहते और पंड्या स्टोर, 2.3 रेटिंग के साथ। नंबर चार पर उड़ारिया बरकरार है 2.6 रेटिंग के साथ। तो वहीं बात करते हैं इमली की, इमली नंबर तीन पर है 2.9 रेटिंग के साथ। गुम है किसी के प्यार ने नंबर दो की जगह पकड़ रखी है 3.7 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं अनुपमा की, अनुपमा नंबर वन पर बरकरार है 4.0 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं बिग बॉस लॉन्च की, सबकी नजरें टिकी थी कि बिग बॉस को ओपनिंग टीआरपी कितनी मिलती है, तो लीजिए 1.5 के साथ बिग बॉस की ओपनिंग हुई है। वैसे अगर बिग बॉस की बात करें तो हमेशा बिग बॉस की ओपनिंग टीआरपी अच्छी ही रही है 1.5 के मुकाबले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में, लीजिए रुद्र और प्रीशा जो है वो पहुंच गए हैं मनाली। दरअसल बात ये है कि वहां पर एक कॉन्सर्ट था जहां रुद्र को जाना ही था, तो उन्होंने सोचा काम और काम साथ में थोड़ा रोमांस भी हो जाए, यानी कि हनीमून भी हो जाए। अब ऑब्वियस सी बात है दोनों गए हैं तो हनीमून ज्यादा होगा अगर अरमान ने होने दिया तो। वो क्या है ना कि अरमान इन दोनों के अरमानों पर पानी फेरने अपनी पत्नी के साथ मनाली पहुंच गए हैं। रुद्र और प्रिशा जहाँ जहाँ जाएंगे उनका पीछा करते करते अरमान और सानिया भी पहुँचेंगे। अब रुद्र उसके कॉन्सर्ट के लिए शिमला जा रहा है
और अभी अभी रुद्र और प्रिशा की शादी हुई है, तो भाई इन्होंने सोचा कि कॉन्सर्ट के साथ साथ हनीमून भी कर लेते हैं, यानी कि एक पंथ दो काज। एक्चुअली मैं रुद्र का टूर, मिस्टर आहूजा ने बोला कि रुद्र टूर करने वाला है, कॉन्सर्ट टूर, तो हमारे जो फर्स्ट स्टॉप है शिमला, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पर, लेकिन ये टूर को हमने हनीमून टूर ज़्यादा बना दिया। जब वो अपने रूम में पहुँचे तब उन्हें पता चला कि कमरा तो पूरा ख़राब है, उस कमरे में पूरा पानी भरा हुआ है, फिर क्या इस कमरे में वो कैसे रात गुजारेंगे। अब शिमला में आ तो गए, लेकिन वही है ना, जैसे ही रुद्र और मैं क्लोज होने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो वो पक्का है कोई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। हम रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूरे रूम में पानी भरा हुआ है। अब ये सब अरमान का किया धरा है, इसीलिए जब अरमान मिला रुद्र और प्रिशा से तब उसने कहा कि चलो हमारे रूम में रुक जाओ। अब आपको बता दें कि इस सीरियल की कहानी फिल्म अजनबी में जैसे कहानी थी वाइफ स्वैपिंग की, तो ठीक यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा आपको। अब क्या पता, कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, तभी लेकर जा रहा है और बोल रहा है कि चलो चलते हैं, और सानिया भी बोल रही है कि हमारे साथ चलो, बहुत मजा आने वाला है, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, तभी बोल रही है बहुत मजा आने वाला है। अब अलग बात है कि हीरो ऐसा होने नहीं देगा, लेकिन भाई एक कहानी तो कुछ ऐसी ही है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। घर बनाऊंगी तेरे घर के सामने। जी हाँ, घर तो बना लिया है रिक्शा वाली ने संजय दत्त के घर के सामने। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, और इनको हल्के में मत लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर यानी कंटेंट क्रिएटर अनीशा दीक्षित की। अब भैया पहले इनका यूट्यूब चैनल जो था वो रिक्शा वाली के नाम से प्रसिद्ध था, तो बस फॉर दैट मैटर, लेकिन घर तो कमाल का बनाया है, तो चलिए आज इनका होम टूर कर लेते हैं घर का। कभी YouTube पर ये हुआ करती थी रिक्शा वाली, लेकिन आज जमाना इन्हें अनीशा दीक्षित के नाम से जानता है। अनीशा वही कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने कभी वरुण धवन को मैसेज किया था, और वरुण के रिप्लाई के बाद वो और भी ज्यादा फेमस हो गई, और उसके बाद अनीशा ने ऐसे कंटेंट्स बनाए कि दुनिया उनकी फैन हो गई। और वही अनीशा आज SBS Originals के साथ आपको दिखाएंगी उनका आलिशान घर, एंड नॉट टू मिस हिज नेबर जिनका नाम है संजय दत्त। हाय दैया, आप लोग मेरे घर भी आ चुके हैं। या माजा घर ही तुमसा स्वागत आहे, आइए आइए। हाय, माय नेम इज अनीशा दीक्षित। पहले आप मुझे रिक्शा वाली के नाम से जाना करते थे, पर अब मेरा नाम अनीशा दीक्षित है, जो कि मेरा ओरिजिनल नेम है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, और यूट्यूबर हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और आज मैं SBS ओरिजिनल के साथ आप लोगों को मेरा हाउस टूर दिखाने वाली हूँ। सो चलिए चलते, आप लोगों को मेरा घर दिखाती हूँ। सो अब हम लोग हैं हमारे ब्यूटीफुल खूबसूरत टेरेस पे, और इस टेरेस की एक खासियत है, एक वाटरफॉल है जो कि बहुत कम घरों में आपको मिलेगा और देखने को मिलेगा। और ये हमने नहीं बनाया, ये पहले से घर में था, जस्ट टू मेक इट क्लियर। पता नहीं पहले के ज़माने में लोगों को वाटरफॉल बहुत अच्छा लगते थे घर में, तो अब ये था तो इसके लिए अब है, तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और वीडियोस हम लोग यहाँ बहुत सारे शूट करते हैं इस टेरेस पे, मेनली जब सनसेट होता है तो यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये सारा कुछ थोड़ा सोफ़ा अरेंजमेंट, जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं तो हम सब यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे थोड़ी गपशप बातें करते हैं, और वहाँ पे भी थोड़ी बैठने की जगह है, एक छोटा सा टेबल है। और ये एक सेकंड एंट्रेंस है हमारे टेरेस का, तो अगर हम लोग घर से अंदर आते हैं यहाँ से भी हम लोग अंदर आ सकते हैं, और यहाँ से अंदर आके हम लोग फिर डायरेक्टली लिविंग रूम में भी डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ अनदर वे। तो ये एक मतलब 360 डिग्री टेरेस है काइंड ऑफ, और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे जब ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में कुछ खाते, चाय पोहा नाश्ता,
तो वो हम इधर भी कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ी गर्मी है तो अभी मैं नहीं रेकमेंड करूँगी यहाँ पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि आप खाना कम पिघलो के ज़्यादा। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट। और ये भी एक बहुत फेवरेट जगह है मेरी, ये है सनबेड। सनबेड इसके लिए ऑफकोर्स सन वर्ड ऑफकोर्स है इस पर। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप मत बैठना इस पर, बट यहाँ से बेस्ट चीज़ है आपको सनसेट दिखता है यहाँ पर। तो अभी मैं आप लोग को मेरा किचन दिखाती हूँ, जहाँ सबसे बड़ा मैजिक होता है, विच इज़ फूड, खाना। क्योंकि खाने के बिना हम ना शूट कर पाएंगे ना हम कैरेक्टर्स बन पाएंगे। सो यहाँ पे मैंने बहुत सारे सीन्स भी शूट किए हैं, ज़्यादा नहीं पर किए हैं, जहाँ पे हमको किचन की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक थोड़ा आर्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के जगह के पिक्चर्स पेंटिंग्स रखी है। सो ज़्यादातर ये वो एरियाज है जहाँ पर हम ट्रैवल किए हैं, और जैसे जापान टोक्यो मेरी एक बहुत फेवरेट जगह है। वहाँ पर एक्चुअली यूट्यूब इंडिया का एक बहुत बड़ा इवेंट था, इंटरनेशनल इवेंट था, तो उन हम क्रिएटर्स को उन्होंने टोक्यो बुलाया था, तो ये भी उसकी एक मेमोरी है बहुत बड़ी। ये अलग अलग जगह का है, ये बार्सिलोना है, इस्तांबुल है, तो उसके बाद मैंने अलग अलग नंबर प्लेट टाइप्स हमने यहाँ पर रखा है वहाँ से ख़रीद के। हाँ, ये तो मेरा एक, मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट हाईलाइट्स मेरी लाइफ की। मेरे को यूट्यूब इंडिया की वजह से मुझे चांस मिला टू मीट मिस्टर बराक ओबामा, एंड ये बहुत बड़ा एक मोमेंट था मेरे लाइफ में, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि एक कंप्यूटर के पीछे बैठ के होम वीडियो शूट करके, आठ साल पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था, मुझे कभी नहीं लगा लाइफ में मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं खुद मिस्टर बराक ओबामा से मिल पाऊंगी। और ये वही, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यूट्यूब इंडिया जो कि मुझे मौका दिया है, एंड ये वंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है। सो ये है हमारा व्यू, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है आजू बाजू में, और बहुत फ्रेश एयर है, सी ब्रीज भी एक्चुअली हमको दूसरी साइड से मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस घर का ये है कि हमारे नेबर संजय दत्त ये एक्चुअली सेलिंग पॉइंट था। और वो पीछे का आप घर देख सकते हैं, वो जो टेरेस है ना, वो उससे पूरा ले कर ऊपर तक वो उनका घर है वहाँ पर। तो वो तो ये है मेरा छोटा सा होम ऑफिस। पंडेमिक में, लॉकडाउन में एक्चुअली हमने घर में पूरा ऑफिस बनाया, क्योंकि हम लोग को तो कंटेंट बनाना पड़ेगा, डजेंट मैटर पंडेमिक है या क्या है। तो ये हमने पूरा यहाँ पे बना के रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्ले बटन है, ये मेरा सबसे पहला प्ले बटन है, ये 100,000 सब्सक्राइबर्स पर मुझे मिला था। उस टाइम पर रिक्शा वाली नाम ही था मेरा चैनल का, तो रिक्शा वाली लिखा है। और ये है मेरा मिलियन प्ले बटन जो मुझे मिला था जब मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिले थे। सो यहाँ पे भी रिक्शा वाले आप देख सकते हैं, यहाँ नाम लिखा है। बेचारा मुंबई मॉइस्चर की वजह से यूट्यूब का साइन थोड़ा निकल गया, बट अदरवाइज फिर भी ये मेरा बहुत एक फेवरेट मेरे अवार्ड्स है। तो जब भी मैं घर में शूट करती हूँ तो मैं वो इक्विपमेंट फिर यहाँ रखी हूँ। ऑफकोर्स जब एक बड़ा प्रोजेक्ट रहता है तो हम लोग आउटडोर किसी को हायर करते हैं, बहुत सारे टीम्स को बुलाते हैं। तो मेरी ये थोड़े बहुत चीज़ें, ये एक मेरी DJI ड्रोन है एक छोटी सी। ऑफकोर्स मुझे पता है इंडिया में ज़्यादा ड्रोन हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो जब मैं फॉरेन ट्रैवल करती हूँ तो मैं यूज़ करती हूँ। मेरी GoPro कैमरा है जो मैं अंडर वाटर शूट्स और लाइक एक्शन शूट्स के लिए यूज़ करती हूँ, और मेरी व्लॉगिंग कैमरा। सो ये व्लॉगिंग कैमरा एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर जो भी व्लॉग करता है उनके पास यही कैमरा होती है। ये है हमारा गेस्ट बेडरूम, और यहाँ पे ज़्यादातर हमारी फैमिली, जब मेरी मम्मी या कोई हमें मिलने आते हैं, मम्मी पापा, तो वो लोग यहाँ पे इस रूम में रहते हैं। हम शूट ज़्यादा यहाँ करते नहीं हैं। ओ वाओ, देखो यहाँ पे कौन हमको फॉलो करके आया। ऑफ कोर्स जहाँ पे भी मैं जाती हूँ, मम्मी जहाँ पे है वहाँ बेटा वहीं जाता है। सो मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के लिए बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं अलग अलग किरदारों का रोल निभाती हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को मेरे मेन कैरेक्टर्स के ड्रेसेस दिखाती हूँ। मूविंग ऑन, मेरे ढेर सारे विक्स पे, और साथ साथ मेरे विक्स के साथ मेरे डॉग मोटी भी मेरे 1 विक पे लेटे हैं।
सो ये है मेरा एक ब्लॉन्ड विग जो मैं हमेशा पहनती हूँ जब मैं फॉरेन मॉम का कैरेक्टर उनका रोल निभाती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मेरा हाउस टूर का वीडियो। ये था मेरा पूरा घर। अगर आपको और एंटरटेनमेंट चाहिए इसी की तरह तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अंडर द नेम अनीशा दीक्षित। सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन रखिए। मुंबई से रोजाला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई ऐसा क्या हुआ कि संभावना सेठ को ही अपने पति को बोलना पड़ा कि भैया मैं तुम्हारी ही पत्नी हूं, मतलब कोई डाउट मत रखिएगा। जी हाँ, संभावना और उनके हस्बैंड जल्द ही एक म्यूजिक एल्बम में साथ नजर आने वाले हैं। और फिर क्या हुआ शूटिंग के दौरान, आइए दिखाते हैं, बल्कि इनका वी लॉग दिखाते हैं। मैं हूं संभावना सेठ। हाय, मैं हूं अविनाश द्विवेदी और आप हमें देख रहे हैं SBS ओरिजिनल्स पर। आज वो दिन आ गया है जहां पर अविनाश द्विवेदी 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 आपको दिखेंगे। अरे क्या है ऐसा कर रही है, कोई ना पराई औरत ने हाथ लगा लिया। 12 साल पहले इसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाइप्स। आज मैं बोल देती हूँ कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन बेबी मैंने 50 बार बोला था। देखो प्यार का इजहार कैसे होगा, जरा ये जिस आदमी ने मेरी चुन्नी पे पैर रखा हुआ है वहाँ प्यार का इजहार कहाँ से होगा बताओ। This is only for SBS Originals. कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। हाय, मैं हूँ संभावना सेठ। हाय, मैं हूँ अविनाश द्विवेदी और आप हमें देख रहे हैं SBS Originals पर। क्योंकि हमारे SS व्लॉग्स बहुत फेमस हैं और सब लोग जानते हैं कि हम लोग व्लॉगिंग बहुत करते हैं, तो हमें लगा कि आज आप लोगों के साथ हम लोग व्लॉगिंग करें जिस सेट पे हम लोग हैं और क्या क्या इस सेट पे हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, आधी बातें तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी क्योंकि आधी तैयार हूँ मैं। और हम शायद लाइफ में पहली बार इतना तैयार होकर ब्लॉग कर रहे हैं। हाँ, हम तैयार नहीं होते, कभी ब्लॉग नहीं किया। दिस इज ओनली फॉर SBS ओरिजिनल्स। हाँ ओके, सो राइट नाउ व्हाट वी आर शूटिंग फॉर इज अ करवा चौथ का सॉन्ग और जो कि हमारे लिए बहुत बहुत डिफरेंट है। आप लोगों ने मुझे ऐसे खूब नाचते वाचते देखा हुआ है, सबको पता है मेरे लटके झटके ठुमके वुमके, लेकिन आज मेरे पति के साथ मैं बिल्कुल ही डिफरेंट कुछ कर रही हूँ विच इज़ नॉट डांसिंग एट ऑल। एंड ये हमारे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है। एक सबसे बड़ी पहली बात ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हूँ, तो ये दिस इज़ द फर्स्ट बिग थिंग दैट वी आर डूइंग टुगेदर, द फर्स्ट म्यूजिक वीडियो। और मेरा टैलेंट सबको पता ही है, थोड़ा बहुत इतना सा जो भी है इतना सा वो पता है, लेकिन मैं चाहती थी कि और कभी ना कभी ऐसा मौका आए कि अविनाश का टैलेंट सबके सामने आए। एंड दिस इज द मोमेंट, आज वो दिन आ गया है जहां पर अविनाश द्विवेदी 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 आपको दिखेंगे काम करते हुए, डांस थोड़ा बहुत करते हुए मे बी शायद। तो संभावना बिल्कुल रिपोर्टर बन गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं हम अपनी लाइफ में पिछले 10-11 सालों से चाहते थे कि हमें साथ में काम करने का मौका मिले, जो कि फाइनली हमें फोटो फिट म्यूजिक और अमित के शिवा जो कि डायरेक्टर है इस वीडियो के, उन्होंने दिया है एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू देम। और ये हमारा सेट है जहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ मैं डायरेक्टर को भी पकड़ूँ जरा, कहीं दिखते डायरेक्टर साथ पकड़े गए, इधर आइए हमारे साथ, पकड़े गए। सो ही इज़ अमित सर। और सर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी इधर तो इज्जत ही देनी है, वरना ये हमारे दोस्त हैं दोस्तों को इज्जत ही दी जाती है। बट वी आर सो वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अमित जिन्होंने हमें ये सॉन्ग करने का मौका दिया, वरना संभावना को आज तक सबने नचाया ही है। नहीं नहीं, और मैं भी बहुत खुश हूँ। काफ़ी सालों से मतलब हम लोग ये प्लानिंग चल रही थी मेरी और अविनाश की कि यार हम लोग को कुछ मिल करके कुछ करना है, और कुछ गाने की प्लानिंग चल रही थी। और पिछले 10-11 सालों से हम लोग साथ में हैं, हमने मुंबई में हमने साथ में शुरुआत की थी और मैम के साथ तो मेरा बहुत टाइम से था कनेक्शन, तो हम लोग साथ में ही आए थे। तो एक बहुत अच्छा गाना शूट हो रहा है और बहुत अच्छा पिक्चराइज हो रहा है। आप लोगों का चुम्मेश्वरी एकदम सॉन्ग, सच में बता रही हूँ, बहुत बड़ा बहुत मज़ा आएगा आपको। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। कोई काम ही नहीं देता था साथ में, पता नहीं क्या बात है, एक तो काम ही नहीं देते तो काम दिया भी है तो साथ में कोई नहीं देता था। मतलब अविनाश की अभी फिल्म आ रही है एज अ राइटर आल्सो, यू वांट टू टेल अबाउट द फिल्म। एक फिल्म मैंने लिखी है फॉर RSVB ककूदा, स्टारिंग रितेश देशमुख, सोनाक्षी सिन्हा एंड साकिब सलीम। तो एक रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यार, तो वो तो दिखता नहीं है,
अगर आप हमारे लॉज देखोगे तो हमारे में झगड़े बहुत होते हैं, तो एक रिलेशनशिप की वो क्या कहते हैं नीवी झगड़े से शुरू होती है, प्यार हमें, प्यार मोहब्बत झगड़ा। हमें ऐसा लगता था कोई हमें अप्रोच करेगा तो टॉम एंड जेरी के लिए करेगा। सीरियसली हम लोगों का रिलेशनशिप भी मतलब वी आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक एक रिलेशनशिप में ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एक रिलेशनशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आप हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त एक दूसरे के अच्छे बनो। और दोस्ती होती है ना जब आपकी, तो सारी चीज़ें बहुत ईजिली बहुत स्मूथली निकल जाती है। तो हमारे मेरे को लगता है कि हमारी व्लॉगिंग अगर की बात करें तो अभी पूरी हो गई है। आप लोग दर्शक अगर आप देखते हो, नहीं देखते हो हमारे व्लॉग्स तो देख लो, और देखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। SS व्लॉग्स संभावना से एंटरटेनमेंट। और हाँ, इस... तो अपने आप को इनको थोड़ी प्रमोट करते जाएंगे, हम अपने व्लॉग को भी प्रमोट करेंगे ना। और ये लो सेट भी घूम लो, आ जाओ सेट घूम लीजिए आप लोग, क्योंकि लग रहा है ब्लॉग करने के चक्कर में हाँ, गाना रह जाएगा, हाँ, गाना रह जाएगा। हम लोग फटाफट आपके साथ ब्लॉग कर लेते हैं, दिखा देते हैं आप लोग को जिस सेट पे हम लोग हैं। आधी शूटिंग हो चुकी है भाई, मुझे भी दिखा दीजिए। अच्छा ये वाली पिक्चर जो हमारी है वो रही ना एक, अच्छा ये मैं एक्चुअली बताऊं तो ये वाली जो पिक्चर्स हैं ये हमारे शादी के पहले की पिक्चर्स हैं, मतलब प्री वेडिंग शूट था हमारा। ये वाला एक्चुअल में है, एक्चुअल वाली पिक्चर्स है ये वाला, ये देखो ये रही। आपको हर जगह हमारी पिक्चर्स मिलेंगी, और जो भी पिक्चर्स मिलेंगी वो प्री वेडिंग शूट की हैं, तो वो सब यूज़ की हुई है इन्होंने। हाँ झगड़ा तो एज सच नहीं करते हैं, बट हाँ नोक जो मतलब हमारे वो रहते हैं कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है, और एंड में देखो एक औरत ही ठीक निकलती है। नहीं नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं मैं कर सकती कभी भी इसके साथ ना, नहीं बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर रही है, बल्कि वो मेरा बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा रही है और मेरे से आगे पूछ रही है कि मैं कैसा कर रही हूँ, मेरा टेक कैसा लग रहा है, मेरा शॉट कैसा लग रहा है, क्या मैं पतली लग रही हूँ, क्या मैं मोटी लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, और मैं इसलिए बीच में जो भाग जाता हूँ इतनी बातों के जवाब देने के चक्कर में ना, गायब हो जाता हूँ मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब ऐसा करूँगी कि अरे मेरे को मैंने बहुत काम किया हुआ है। आप जब जो भी काम करते हो ना वो उस समय आपके लिए नया ही होता है, और ये तो बिल्कुल ही नया है मेरे लिए, मतलब हम दोनों एक दूसरे का मजाक बहुत बनाते हैं, वो बनाते हैं, हल्दी मजाक होता है। हाँ लास्टली प्यार का इजहार होता है, कम बार एक मौका मिलता है जब प्यार का इजहार होता है। हाँ देखो प्यार का इजहार कैसे होगा, जरा ये जिस आदमी ने मेरी चुन्नी पे पैर रखा हुआ है वहाँ प्यार का इजहार कहाँ से होगा बताओ। तो इस चीज़ों पे औरतों को गुस्सा आता है, यू नो उनका लुक बर्बाद हो जाए, चुन्नी बर्बाद हो जाए, तो प्यार का इजहार, बट प्यार का इजहार यही है 11 साल पहले इसने मुझे बोला था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ टाइप्स, ऐसे ही कुछ बोला था टाइप्स, ऐसे ही कुछ बोला था। आज मैं बोल देती हूँ कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बेबी मैंने 50 बार बोला था, मैं एक ही बार बोलूंगी, एक ही बार अपुन का काफी होता है। और आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, और इसके बाद एबीपी को मुझे एक नया हाथ देना पड़ेगा राइट हैंड, और उसके बाद मैं अगला ब्लॉग शूट करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गाइस। ABP News, आपको रखे आगे।